सुनला है मोय जे लगे जे कि मैया मर गई ताई सुनला जो अनाथ बाबू घूम रहो कितनो छोटो कितनो सोवर है आज जवाब दिया हेलो 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 इसी बीच आपके बीच में आदरणीय श्री मनोज यादव जी उर्फ बिंटू भैया प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी आपके बीच में आए हुए हैं और शास्त्री जी का वो सम्मान करेंगे तो सभी से निवेदन है कि भैया थोड़ी देर शांति बनाए रखें। चलो तुम बजाओ। इस बीच में हमारे भैया जी मनोज भैया जी इनकी तरफ से ये 500 रुपए और एक पीतम डालकर सम्मानित कर रहे हैं हमारे इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे और इसी बीच में मनोज जी से अनुरोध करूंगा कि कुछ विचार अपने विमर्श जरूर करें। आज हमारे गांव बेहतर गांव में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन पर ये इटावा से चलकर आई दीक्षा जी बहन शास्त्री जी और उनकी पूरी कमेटी को मेरी तरफ से अपने क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ कि वो हमारे गांव में आई और हमें उनके इस भागवत कथा को सुनने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ नारे लगाकर बाके बिहारी लाल की राधा रानी मैया की दाऊजी महाराज की भद्रकाली मैया की इस पंडाल में बैठे आदरणीय बुजुर्गों नौजवान साथियों माताएं बहने चाची भाभी सब लोग सबको चरण स्पर्श और मैं एक यही कहना चाहूंगा इस भागवत कथा से हमें श्री भागवत कथा से जो हमें मिलता है श्री में राधा रानी की पूरी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और जो हम 9 दिन ये भागवत कथा सुनते हैं तो इस 9 दिन में जो जो भी हमारी बहन दीक्षा जी सुनाएंगी उनका हम अनुसरण अपने जीवन में अगर दो चार चीजों का भी अनुसरण अपने जीवन में हम लोग कर लें तो ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का काम हमारा धन्य हो जाएगा। हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि हम आप लोग सोच नहीं सकते। मैं सुन रहा था अपनी बहन दीक्षा जी को वो कह रही थी कि हमारी जो बहुएं आ रही हैं वो सास की सेवा नहीं कर रही हैं 50% बहुएं सेवा नहीं कर रही हैं
तो मैं दीक्षा जी कहूंगा कि इसमें सासु की भी कमी है। सास अगर बहू को बेटी माने और बेटी अगर सास को अपनी माँ मानना शुरू कर दे तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी, है कि नहीं है बीमारी ये? तो ये धार्मिक ये श्रीमद् भागवत कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई के रास्ते पे हम लोग चले, अपने कर्म कर्म को करें और बुराई भलाई से दूर रहकर अच्छे सत्कर्म को काम करना चाहिए। यही श्रीमद् भागवत का मूल मंत्र है, अपने जीवन में हम लोग उतार लें तो सभी लोग हम खुशी रहेंगे, सभी दूसरे के घरों में खुशियां आएंगी। और इसी के साथ मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए सभी अपने गाँव वासियों को अपने को कहता चाहता हूँ, सब लोग सुखी रहे, संपन्न रहे। और नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि मेहनत से पढ़े लिखे, आगे बढ़े, नौकरी करें और इस गांव का नाम रोशन करने का काम हमारे नौजवान साथी करें। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोली राधा रानी सरकार की, बोली गोविंद भगवान की। डॉक्टर अंकल आज आइए वहीं, क्योंकि समय है थोड़ा और कथा ज्यादा बड़ी है तो ज्यादा समय ना लेते हुए वहीं आज जहाँ प्रसंग चल रहा था। और ये स्विच में हमारे और ये अमरपाल अंकल जी की तरफ से, इनके अमरपाल अंकल जी की तरफ से 500 रुपया एक बार जोरदार तालियां जाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे और अंकल आंटी की जोड़ी हमेशा अमर बनी रहे, ऐसे हंसते मुस्कुराते बने रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, भगवान से कामना ही आराधना है। बोली राधा रानी सरकार की, बोली गोविंद भगवान की।